हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि 164 का बयान, 161 का बयान, 376 जैसी धारा में क्या महत्व रखता है। तो आज हम आपको बताएंगे, विस्तार से डिटेल से चर्चा करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कि मेडिकल रिपोर्ट के निगेटिव आने से, अर्थात अगर मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई तो क्या प्रभाव पड़ने वाला होता है। 164 का बयान, 161 का बयान और फिर FIR और 161 के साथ जो अन्य चीज़ें हैं, या स्वतंत्र साक्षी का गवाह है, बयान है, या फिर अगर बात कर ली जाए मेडिकल रिपोर्ट की, तो इससे मुकदमे में या अभियुक्त को क्या लाभ मिल सकता है, किस तरह से लाभ मिलता है, इसके बारे में। तो आपको बता दें, अगर किसी भी अपराध में, 376 जैसे अपराध में कोई अभियुक्त जेल में है या जेल के बाहर है, उस पर अगर ये मुकदमा लिख दिया गया, दर्ज करा दिया गया 376 में, तो देखिए सबसे पहला काम उसको देखने का यही एक तरीका है कि क्या इसमें सही है, क्या झूठा है, क्या फर्जी है, क्या चीज़ें इसमें गलत लिखाई गई है, इसको कैसे आप पकड़ेंगे। तो पहला काम होता है FIR को एक साइड पे रख लीजिए, 164 का बयान रख लीजिए, 161 का बयान रख लीजिए और मेडिकल, ये चार चीज़ें। अब इन चारों चीज़ों में ये देखिए कि इसमें कंट्राडिक्शन क्या क्या है। मतलब ये कि क्या FIR में जो बात कही गई है वो 164 से मैच कर रही है या नहीं, 164 में जो बात कही गई 161 से मैच कर रही है कि नहीं। कहने का ये मतलब, एक FIR, 161 का बयान, 164 का बयान, तीनों में क्या मैचिंग है या नहीं है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये देखना है। फिर ये देखना है कि क्या FIR को मेडिकल रिपोर्ट सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब जान लेते हैं कि FIR जो दर्ज होती है, 161 का बयान दरोगा अपने से लिखता है, पीड़िता का 161 का बयान पीड़िता लेता है, पीड़िता से बयान लेता है, वो लिखता है। ये सिर्फ कहने और कागजों में बातें हैं, ज़्यादातर होता क्या, हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही होता है, कुछ लोग पीड़िता के बयान को लिखते भी हैं बाकायदा, बोल बोल जैसे वो बताती वो लिख देते हैं जो भी लिखते, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसकी आईडी लेके बस अपने मनमाना मन मुताबिक जो मन में आया वो लिख देते हैं, 161 का बयान, यहाँ तुम्हारा बयान हो, ले जाओ। अपने से लिखता है दरोगा, उसमें कुछ भी चीज़ें पीड़िता को नहीं पता होती हैं कि क्या लिखा क्या नहीं लिखा, सही सही लिखा है या गलत लिखा, क्या अपने से जोड़ के कुछ लिख दिया नहीं। जो 164 का बयान होता है वो मजिस्ट्रेट के यहाँ होता है, मजिस्ट्रेट के यहाँ जब आप बयान देने जाएं, तो केयर करने वाली, ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो आपने FIR दर्ज कराई, जो आपने 161 के बयान में कहा, वही बात आपको 164 के बयान में बोलना है। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि भाई अभियुक्त के पक्ष की ओर से या किसी से सुलह समझौता जैसी बात आती है, या पंचायत समझौता की बात आती है, या कुछ भी बहला फुसला कर, बरगला कर 164 का बयान अपने फेवर में करा लेता है, बाद में फिर नौटंकी शुरू, फिर वही सब चीज़ें क्लियर है, शादी ना करना है, तमाम चीज़ें, यानी कि ये कह लीजिए कि विवाद ख़त्म नहीं होता है। तो आपको बता दें कि अंत तक अगर आपके साथ आपराधिक घटना घटित हुई है, इस तरह से घिनौना अपराध हुआ है, तो आपका ये कर्तव्य है, आपका ये दायित्व है कि कभी भी अभियुक्त के फेवर में बयान न दें। अगर अभियुक्त के फेवर में बयान दे दिया आपने, तो समझिए उसका फ़ायदा अभियुक्त को मिल जाएगा और जमानत पे छूट जाएगा। और यहाँ तक देखिए, फ़ायदा यहीं तक नहीं है, अंत में केस अंतिम होते होते, अर्थात जजमेंट आते आते, हो सकता है कि वो बाइज्जत बरी भी हो जाए। कहने का ये मतलब, साफ शब्दों में आप समझें कि अगर आपके साथ अपराध हुआ, तो आप उस अपराधी को जेल भिजवाइए, फांसी चढ़वाइए, जो मन में आए वो करवाइए, लेकिन अगर आप अपने से केस को कमज़ोर कर देती हैं, तो फिर ये किसी वकील या किसी पे टीका टिप्पणी करना या किसी को दोषारोपण देना, ये सरासर गलत है।
क्योंकि भैया जब आपने दुनिया भर का मुकदमा तो लिखा दिया, अब दुनिया भर का बयान जो देना था वो उसके फेवर में दे दिया, तो जाहिर सी बात कोर्ट भी ये समझती है फेवर में बयान देने का मतलब ही समझ जाओ क्यों फेवर में दिया। और फिर जब फेवर में दे दिया, प्रेम प्रसंग साबित कर देगा लड़का या सहमति साबित कर देगा तो भी तो वो बरी ही हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है 164 का बयान, 164 का बयान, मेडिकल रिपोर्ट, ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया तो भी वो बरी होने के चांसेस हो जाता है। और इसमें रही बात डिटेल से बेल वगैरह कैसे मिलती, कितने दिन में मिलती है, इन सब के संबंध में ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल रखा है जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, उस पर आप जाके देख सकते हैं। अदर वीडियोज़ के लिए भी यूट्यूब चैनल पर हमारे आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी टॉपिक पे आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे जिसे कि आपको अपने मुकदमे में फ़ायदा मिल सके। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब।